गोरखपुर में यातायात व्यवस्था में सुधार लाने के लिए यातायात विभाग द्वारा नित नए दिन नए नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत यातायात विभाग द्वारा स्कूल और कॉलेजों में यातायात के नियमों के प्रति स्कूली बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। जागरूकता कार्यक्रम की इसी कड़ी में यातायात विभाग द्वारा गुरुवार को जुबली इंटर कॉलेज में यातायात जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर SP ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा, TSI जग नारायण और जुबली इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य नंद प्रसाद यादव सहित कॉलेज के कई शिक्षक और छात्र मौजूद रहे। कार्यशाला के दौरान कॉलेज के प्रधानाचार्य नंद प्रसाद यादव और TSI जग नारायण ने स्कूली बच्चों को यातायात नियमों को लेकर कई आवश्यक जानकारियां दी। इस मौके पर SP ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने भी बच्चों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया। SP ट्रैफिक ने कहा कि यदि बड़ों के साथ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी यातायात नियमों का सही से पालन करें तो न सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार आएगा बल्कि जान माल का भी भय दूर होगा। परिचित नहीं, इसलिए इन बच्चों को सावधान किया जाए कि यदि अगर एक आप अपना नुकसान करते हो तो केवल तुम्हारा नुकसान नहीं है, आप मरे, आप अगर टक्कर खा गए, आपकी क्षति हुई तो आपके माँ बाप ने आपके ऊपर अपना धन खर्च किया, उनका नुकसान हुआ। हमने बच्चे को इतने लाड प्यार से पढ़ाया, रोड पर जाके एक्सीडेंट हो गया, हम तो उसको समाज का जिम्मेदार नागरिक बनाना चाहते थे, ये चाहते थे वो समाज के बोझ को अपने कंधों पर ढोने लायक बन जाए, वो जाके रोड पर अपनी लापरवाही से इस कदर वो लहूलुहान हो जाता है कि समाज का बोझ वो क्या ढोएगा, वो स्वयं समाज के ऊपर बोझ। सभी लोग पेपर पढ़ते होंगे, व्हाट्सएप देखते होंगे, गूगल पर देखते होंगे, जल्दी के कारण और लापरवाही के कारण आप बाइक खरीदे हैं उसके साथ नियम बने हुए हैं, जिस तरह विद्यालय का एक नियम है उसी तरह सड़क पर भी चलने के एक नियम बना हुआ, अगर नियम का सही रूप से पालन करें तो किसी भी दशा में किसी भी प्रकार की दुर्घटनाएं नहीं होगी, लोगों को असुविधा नहीं होगी। परंतु हम लोग करते क्या है, नियम जानते हुए भी उसका पालन नहीं करते। रोड पर मैं देखता हूँ वाहन लेके जा रहे हैं तो ओवरटेक करते हैं तो ठीक है, बाएं से ओवरटेक करना बहुत खतरनाक है। लड़के क्या करते हैं, बाएं से तेजी से निकलते हैं, नौकरी कोई बात होती तो हर व्यक्ति हर बाइक सवार वाला बाएं चलना चाहता है, तो बाएं से क्रॉस करेंगे तो ये निश्चित रूप से दुर्घटना हो जाए। बच्चों आप आए हैं, सभी के गले में टाई देख रहा हूँ, बैग भी देख रहा हूँ, ये बहुत अच्छी बात है, ये आप अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ही सचेत है कि बैग लेके आए हैं, कलम लेके आए हैं, लेके चलते हैं शहर में तो मोटरसाइकिल के साथ हेलमेट नहीं पहनते, हेलमेट लेके नहीं चलते हैं, आप उसको बोझ समझते हैं, लेकिन यही बच्चे विद्यालय आते हैं अपने साथ बैग लेके आते हैं, पेन लेके आते हैं, दाई बांध के आए और हेलमेट लेकर नहीं चलते, इसके कारण कि आप लापरवाही करते हैं। दुर्घटना से पूरी सोसाइटी पर सबसे पहले किसको नफरत होगा, सबसे पहला बात होगा जिस व्यक्ति को दुर्घटना होगी, कोई नेत्री हो जाए कोई दुर्घटना हो है ना, तो दुर्घटना से बचाव के लिए आप लोगों को ट्रैफिक के नियमों का पालन किया जाना बहुत जरूरी है। क्या कष्ट होगा परिवार को बताइए, आपके माता पिता के पास अगर पैसा नहीं हुआ किसी दूसरे से उधार लेके आएंगे, पैसा नहीं उधार लेके आएंगे, अपना घर गिरवी रखेंगे, अपना जेवर गिरवी रखेंगे, तो आर्थिक परेशानी आपके माता पिता को होगी। तीसरा ये हुआ कि मान लो आप दुर्घटना में मर गए, तो आप जो दुर्घटना में मर गए पता चला आपको चले गए, आपके माता पिता जो है निसंतान हो गए, तो पहला कष्ट जो है दुर्घटना का यही है
आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। आपके माता पिता 10-15 लाख रुपए खर्च करके आपको ठीक कराएंगे, आपके आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। आप जब ठीक होकर पहुंचोगे, जब आपको पढ़ाई के लिए बीजा और एंटेक में 4-5 लाख रुपए जरूरत होगी, तब आपके माता पिता के पास नहीं होगा। तो उस पैसे को बचाने के लिए, उस कष्ट को बचाने के लिए जरूरी है कि यातायात के नियमों का पालन, आपके हाथ पैर टूट जाएंगे। कोई जरूरी नहीं कि आप एक्सीडेंट के बाद मर जाए, कोई जरूरी नहीं कि एक्सीडेंट के बाद आप चलने लगे। हो सकता है आपके मस्तिष्क में इतनी चोट पहुंचे कि आप पड़े पड़े वहीं से लैट्रिन कर रहे हो, पड़े पड़े वहीं से पेशाब कर रहे हो, और आपके माता पिता जिंदगी भर आपको साथ नहीं देंगे। आप जिंदा बने रहोगे, मोहल्ले वाले भी आपकी देखरेख नहीं करेंगे। ये मजाक का विषय नहीं है, ये आपके लिए चिंतन का विषय है। आप इसको सोचिए कि मतलब क्या क्या हो सकता है जिससे घर में दुर्घटना पड़ी। आप लोगों को मैं कुछ अस्पतालों में भी दिखाऊंगा, जो जिस तरीके से पड़े हुए लोग, उनको भी देखिए आप, उनसे शिक्षा लीजिए कैसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बात समझ में आई? तो यातायात के नियमों के पालन ना करने से दुर्घटना में होने वाली ये कमियां हैं, इनके कारण आपको दिक्कतें हो सकती हैं। एक तो ये हुआ। अब आपको यातायात के नियमों का पालन करने के लिए क्या करना चाहिए? इसमें कितने लोग मोटरसाइकिल लेके आते हैं बता, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हाँ, गुड, वेरी गुड। देखिए ये लोग अच्छे लोग हैं, मोटरसाइकिल जाते तो है कम से कम। उम्र पूछिए इनकी। लेकिन लेकिन ये हेलमेट लगा के नहीं आते। अभी आप उनसे पूछे कितने लोग हेलमेट लगा के आते हैं? हेलमेट लेके आइए, इनको अभी यहाँ पे रूम पे हेलमेट लगाइए। तो ये लोग वो हैं, तो ये देखिए आपके बीच में कितने झूठे पकड़े गए। उमर पूछिए, अभी जो है ये जो है बता रहे कि हम मोटरसाइकिल चलाते लेकिन हेलमेट पहन। तो एक तो ये बात हो गई, दूसरा कितने लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस है बताओ, हाथ उठाइए। कितने लोग अभी मैं मंगवाऊंगा, झूठ मत बोलना। सही सही, सर हम लोग का बनता अभी हम बनवाएंगे।